आज हम कोरल ड्रॉ में फ्लावर के डिजाइन बनाना सीखेंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले हम कोरल ड्रॉ में लेंगे बेजियर टूल। तो बेजियर टूल जो है फ्री हैंड टूल के नीचे मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है और उसके बाद हम बेजियर टूल से एक लाइन को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करते हुए अब यहाँ पे आपको माउस पॉइंटर नहीं छोड़ना है और इसे आपको फ्लावर के शेप में फोल्ड करना है, कर्व करना है। इसके बाद फिर आपको लेना है यहाँ से पीक टूल, फिर इसके बाद दोबारा से आपको बेजियर टूल लेना है, यहाँ पे क्लिक करना है इस नोड के ऊपर, फिर यहाँ पे जब आप क्लिक करें तो माउस पॉइंटर को आपको छोड़ना नहीं है, फिर इस शेप में आपको आपको बना लेना है। इसके बाद आपको यहां से स्मार्ट फिल टूल लेना है और इस पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको जो भी कलर फिल करना है वो यहां से भर दीजिएगा। अगर कलर पे अगर आप चाहते हैं कलर में थोड़ा हल्का या ज्यादा तो आप वो भी कर सकते हैं। तो ये मैंने कलर फिल कर दिया है। अब हम यहां पर पीक टूल लेंगे, इस साइड में करना है, इसे आप हाँ डिलीट कर दीजिए। इसके बाद अब हम इस डिजाइन पे वर्क करेंगे। तो यहां से हम लेंगे ट्रांसपेरेंस टूल, इसके बाद यहां पर यहां से यहां तक हम इसको दे देंगे ट्रांसपेरेंस। इसके बाद हम न्यूमेरिक की पैड से प्लस वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो इसका डुप्लीकेट हो जाएगा। इसके बाद यहां पे आपको ध्यान दीजिए, बस यही आपको ध्यान देना है, यहां पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करें देखिए यहां पे एक राउंड सा बन चुका है। अब इस राउंड को आप दबा करके नीचे की तरफ खींचेगा। अब उसके बाद यानी कि जब राउंड हुआ है वहां पे आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर इस तरह आप जितना करना बस आप कंट्रोल डी करते जाएं। कंट्रोल डी करने से आपका ये शेप तैयार हो गया और इसे आप चाहे तो सेलेक्ट कर लें, ग्रुप कर लें। अब यहां पे चाहे तो आप कलर बदल बदल के देखें कैसा लुक आ रहा है। यहाँ पे हम कलर चेंज कर रहे हैं तो इसका लुक देखिए कैसा आ रहा है। तो यहाँ से हम कलर चेंज करके इसके डिजाइन को, लुक को हम चेंज कर सकते हैं। और इसे और खूबसूरत लुक देने के लिए आप यहाँ पर जी प्रेस करें या इंटरेक्टिव फिल टूल का यूज करें या शॉर्टकट की जी दबाएं। इसके बाद यहाँ पर आप आए फाउंटेन फिल, इस पर क्लिक करें और आप देख रहे हैं ये जो आपका जो डिजाइन है बहुत खूबसूरत हो चुका है।